ये वीडियो नारुटोपीडिया की मदद से बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। डांजो शिमुरा कोनोहा काउंसिल का मेंबर था। रूट का फाउंडर और लीडर होते हुए डांजो को द डार्कनेस ऑफ शिनोबी का नाम मिला, जिसकी वजह से उसे कई इंसिडेंट्स के लिए शक किया गया, पर कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। डांजो जो भी करता विलेज के बेस्ट इंटरेस्ट को सोच के करता। वो सिक्स्थ होकागे कैंडिडेट भी बना विलेज पर पेन असॉल्ट के बाद, पर ऑफिशियली एक्सेप्ट होने से पहले वो फाइव कागे समिट छोड़कर भाग जाता है और सास की उचिया से लड़ते हुए मर जाता है। तो स्वागत है आपका दिया मागी हिंदी में। मैं हूं सोरा संजू और आज हम बात करने वाले हैं डांजो के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दिया मागी की रीच इस चैनल के अलावा भी है, तो अगर आप हमारे फैन हैं तो हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट जरूर करें और आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड, डांजो का जन्म शिमुरा क्लैन में हुआ था और डांजो निंजा एकेडमी के फर्स्ट 100 ग्रेजुएट्स में से एक था। गेनिन बनने के बाद वो अपने टीम के हिरुजन सारुटोबी को अपना राइवल बना लेता है। डांजो फर्स्ट होकागे को लड़ते हुए देखता है और उसके वुड रिलीज निंजुत्सु के पावर को विटनेस करता है। फर्स्ट शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान डांजो कागामी उचिहा तोरीफू आकामीची और टीम तोबी रामा के साथ क्लाउड विलेज के किंकाकू स्क्वाड से घिर जाता है। ये जानने के बाद कि उनके टीम के एक मेंबर को डिकॉय बनना होगा ताकि बाकी टीम भाग सके, डांजो खुद को डिकॉय बनाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर तब तक हिरुजन आगे आ जाता है। डांजो खुद को वीक कहता है तो भी रामा हिरुजन की जगह खुद को डिकॉय बनाने का डिसाइड करता है और हिरुजन को थर्ड होकागे डिक्लेयर कर देता है, जिससे डांजो शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। हिरुजन से होकागे टाइटल हारने के बाद डांजो उससे वो जगह लेने के लिए प्लान करने लगता है। वो विलेज के लिए सीक्रेट मिशंस करने लगा जिसमें हिरुजन पार्ट नहीं बनना चाहता था। डांजो खुद का एक ऑनबोर्ड डिवीजन बनाता है रूट, जो उसके डायरेक्ट कमांड पर काम करेगी, जिसके लिए वो खुद कैंडिडेट्स चुनता था जिसमें उसे पोटेंशियल दिखता था। थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान डांजो रेन विलेज के हांजो की मदद करता है ताकि वो उससे फिर मदद ले सके होकागे टाइटल को लेने में। वो अपने कुछ शिनोबी भेजता है से लड़ने के लिए, पर नागाटो सभी